आज हम बात करने वाले हैं सीडेटिव और हिप्नोटिक ड्रग के बारे में। सीडेटिव और हिप्नोटिक ड्रग क्या होता है, आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज समझाने की हम कोशिश करते हैं। तो देखो, पहले समझो बड़े ध्यान से। देखो, आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी दोनों बहुत आसानी से दोनों एक साथ तैयार हो जाएगा। कैसे? देखो, अगर आपने, मैं आपको ऐसा पढ़ाता हूँ सीडेटिव हिप्नोटिक को, इतनी डीप में पढ़ा देता हूँ, अच्छे समझा देता हूँ, को आपका सारा के सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सीडेटिव हिप्नोटिक का। थोड़ा बहुत पार्ट पार्ट बच जाएगा, जैसे इसका सार क्या होता है, तो सार और जो इसका बचा है उसको मैं अलग से वीडियो में दे दूंगा, ठीक है, इसमें ऐड नहीं करूंगा। तो आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री पूरी तरह से, मेडिसिनल केमिस्ट्री भी तैयार हो जाएगी, ऑकोलॉजी भी तैयार हो जाएगा। ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, मैं कम से कम 10-12 वीडियो और बना देता हूँ, 5-6 वीडियो, तो जिसमें आपका पूरा के पूरा कॉन्सेप्ट 4th यूनिट 5th यूनिट पूरा कंप्लीट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आपका हम वन बाई वन स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक सीडेटिव और हिप्नोटिक ड्रग के बारे में। देखो, हमारा सीडेटिव और हिप्नोटिक ड्रग क्या होता है, सीडेटिव ड्रग क्या होता है हमारे, पहले देखो, सीडेटिव ड्रग वो ड्रग होते हैं जो हमारे ब्रेन को रिलैक्स करते हैं। समझे आपको, मतलब कि सीडेटिव ड्रग होता है जिसको हम इसे उठा के खा लेना, तो हमारा जो दिमाग होगा, जो हमारा ब्रेन होगा, वो पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगा। पल्ले पड़ा, क्या होता है सीडेटिव? सीडेटिव वो ड्रग होते हैं जो हमारे ब्रेन को क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं। पल्ले पड़ा। अब हिप्नोटिक लिखा हुआ है, तो हिप्नोटिक वो ड्रग्स होते हैं जो हमारे ब्रेन को रिलैक्स तो करते ही हैं, साथ साथ हमको नींद भी प्रदान करते हैं। आपको स्लीप, नेचुरल स्लीप भी मिलेगा, मतलब खा लोगे तो आपका दिमाग शांत तो हो जाएगा, रिलैक्स तो हो जाएगा, और साथ ही साथ आपको नींद भी बड़ी अच्छी गहरी आएगी, एकदम नेचुरल वाली नींद आएगी आपको। तो ये कौन करता है? हिप्नोटिक ड्रग करता है। पल्ले पड़ा आपको। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस? पल्ले पड़ा आपको, सीडेटिव केवल ब्रेन को रिलैक्स करता है, हिप्नोटिक क्या होता है? हिप्नोटिक ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जो रिलैक्स के साथ साथ नींद प्रदान करते हैं, मतलब सीडेटिव ड्रग्स हमको नींद प्रदान नहीं करता है। समझा आपको, मतलब ये ड्रग्स से हमको नींद नहीं लगेगी, ये ड्रग खा लोगे तो हमको अच्छी खासी नींद भी मिल जाएगी। समझा आपको, जिनको नींद की प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको इसी कैटेगरी की मेडिसिन देता है, सीडेटिव या हिप्नोटिक कैटेगरी की ड्रग्स दे देगा आपको, खाओगे सो जाओगे। पल्ले पड़ा। अब इतनी चीज को तो आपको हम समझ गए। आप अब मैटर तुरंत आपके दिमाग में ये बन जाता होगा, या आप कहोगे सर तुरंत दिमाग मेरे क्वेश्चन बन गया, और क्वेश्चन ये है कि सर जो हम दवा खा रहे हैं वो दवा हमारे बॉडी में जाके कैसे सुला देती है हमको, हमको ये बताइए, ये दवा सुलाती कैसे है हमको ये बता दीजिए बस। ये दवा हम खा तो लिए, दवा जिस टेबलेट उठाए खा लिए, नींद की टेबलेट खा लिए खा लिए, अब ये हमारी बॉडी में गया, अब बॉडी में जाने के बाद ये कैसे कैसे हमको सुला देता है हमको ये बस समझा दीजिए बस। तो देखो किसे समझाते हैं, मतलब कि दवा का मैकेनिज्म क्या है, अब ये समझो। देखो क्या होता है, हमको पता है कि हमारी जो पूरी बॉडी है ऊपर से लेकर नीचे तक सेल से मिलकर बनी हुई है, सॉरी ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी बॉडी छोटे छोटे सेल से मिलकर बनी है, और सेल होगा तो सेल मेम्ब्रेन होगा ही होगा, जाहिर सी बात है, अगर कहीं भी सेल है तो सेल मेम्ब्रेन तो होगा ही होगा। तो ये हमारा क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, और हमको पता है, हमने आपको पढ़ाया था कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन में हमारा लिगेंड गेटेड रिसेप्टर पाया जाता है। वहां पे कौन सा रिसेप्टर पाया जाता है? लिगेंड गेटेड रिसेप्टर पाया जाता है, कहां? सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो हमारा क्या है, लिगेंड गेटेड रिसेप्टर है। अब लिगेंड गेटेड रिसेप्टर में तीन साइट होते हैं, एक गाबा साइट होता है, एक बारबिट्यूरेट साइट होता है, एक बेंजोडाइजेपिन साइट होता है, ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक गाबा साइट होता है, एक बारबिट्यूरेट साइट होता है, एक बेंजोडाइजेपिन साइट होता है, तीन साइट हमारे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे देखो, ये हमारा जो, ये जो हमारा लिगेंड गेटर, ये जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे आयन चैनल्स भी पाए जाते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये आयन चैनल है हमारा, ठीक है। इसी में हमारा क्या होता है, इसी में सोडियम अंदर जाएगा, सोडियम बाहर आएगा, सोडियम अंदर बाहर करता रहता है, ठीक है। और जब हमारा सोडियम अंदर बाहर करता रहता है तो हमारा दिमाग सोचेगा, मतलब जब हम कोई चीज सोचते हैं तो उस केस में जो सोडियम है अंदर बाहर करता रहता है। जब हम बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, हद से ज्यादा सोचने लगते हैं, तो ये जो सोडियम है बहुत ज्यादा अंदर बाहर करने लगता है। जब सोडियम बहुत ज्यादा अंदर बाहर करने लगेगा तो हमको नींद नहीं आएगी। तो डॉक्टर लोग करते क्या है? तो देखो, सोडियम का एक दुश्मन है जिसका नाम है क्लोरीन, क्लोराइड, ठीक है। क्या करते हैं, क्लोराइड क्या होता है, जैसे ही सोडियम अंदर बाहर कर रहा है, क्लोराइड, एक तो क्लोराइड आयन, क्लोराइड तुरंत घुस जाएगा इसके अंदर, घुसेगा जैसे इसके अंदर, सोडियम, सोडियम का ये क्या है, सोडियम का दुश्मन है, सोडियम देखेगा, अरे भैया क्लोराइड आयन आ गया, क्लोरीन, चुप हो जाओ, एकदम कुछ अंदर बाहर नहीं करेगा, एकदम चुप हो जाएगा। और हमको पता है कि जब सोडियम अंदर बाहर नहीं करेगा, एकदम चुपचाप बैठ ही आएगा, तो हमारा दिमाग क्या होगा, रिलैक्स हो जाएगा। इस तरीके से काम करता है हमारी, पल्ले पड़ा। समझाया आपको कि कैसे काम करता है ये मेडिसिन हमारी, जो ड्रग्स देते हैं, ये ड्रग्स क्या करता है, ये ड्रग्स जाएगा, इसी को बोलते हैं हाइपर पोलराइज कर देता है, इसी को हम एक वर्ड बोलते हैं, हाइपर पोलराइज कर दिया गया, मतलब ये क्लोरीन जो था, जैसे ही आया सोडियम ने देखा भैया क्लोरीन आ गया, क्लोरीन तो इसके लिए बहुत दुश्मन है इसका, तो चुप हो जाएगा, चुप चुप पता ना चले उसको हम है,
चुप 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 एकदम पता नहीं चले, और जैसे ही देखता है क्लोरीन है चुप हो जाएगा अंदर बाहर, तो चुप होके बैठ जाएगा एक जगह, जब ये अंदर बाहर कर रहा था एकदम नहीं करेगा, आपका दिमाग एकदम रिलैक्स हो जाएगा और आप क्या होगे, सो जाओगे तुरंत। तो इस तरीके से हमारा ये मैकेनिज्म है, इस तरीके से हमारे ड्रग्स क्या करता है, काम करता है, इसी को बोलते हैं हाइपर पोलराइज कर देता है, इसी को बोलते हैं हाइपर पोलराइज कर दिया गया, ठीक है। तो इसी यही होता है हमारा इस प्रोसेस में, पल्ले पड़ा कितना सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है। तो इस तरीके से जो डॉक्टर्स दवा लिखते हैं वो इस तरीके से काम करती है, ठीक है। अब वो जो दवा होती है, अब वो बहुत ढेर सारी दवाइयां हैं, ठीक है। आपको दवाई कुछ नाम ही बताइए, बहुत ढेर सारी दवाइयां हैं, जैसे नाम बता दीजिए, क्लोनाजिपाम है, अल्प्राजुलाम है, जुलपिडियम है, लोराजिपाम है, क्लोबाजिपाम, तमाम तरह के जाम पाम कुम फेनोबारबिटन, बहुत तरह के मेडिसिन है, ठीक है, सब है, और सब तीन कैटेगरी में बांटे गए हैं सारे मेडिसिन को, ठीक है। अब ये जाके यही काम करते हैं। अब आपको हम इसका मतलब कि जो नाम है जो आपको मैंने अभी बताया, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन अब क्या बनता है, अब क्वेश्चन ये बनता है कि जो आपने ड्रग्स के, अब तो आपने बता दिया कि ड्रग्स कैसे काम करता है, अब ये बताइए कि वो ड्रग्स कौन कौन से हैं, तो उसी को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन करना, ठीक है। मतलब देखो ये जो हमारे ड्रग्स होते हैं वो तीन टाइप के होते, तीन कैटेगरी में बांटे गए हैं, कैसे किस, एक होता है बारबिट्यूरेट्स कैटेगरी का, एक होता है बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी का, और एक होता है गाबा कैटेगरी का, ठीक है। मतलब कि जो ड्रग जाके बारबिट्यूरेट साइड पे बाइंड करेगा, मतलब इससे मिलेगा तो तुरंत क्लोरीन अंदर आएगा, और मिले क्लोरीन जैसे ही अंदर आएगा, मतलब हमने ड्रग खाया और ड्रग खा के ड्रग गया और तुरंत बारबिट्यूरेट साइड से मिल गया, जैसे ही बारबिट्यूरेट साइड से मिलेगा क्लोरीन तुरंत अंदर आएगा, और क्लोरीन तुरंत अंदर आएगा तो दिमाग शांत हो जाएगा। या एक हम ड्रग ऐसा भी कैटेगरी होता है हम खाएं तो बेंजोडाइजेपिन से मिले, बेंजोडाइजेपिन जैसे मिलेगा क्लोरीन अंदर अंदर आ जाएगा ये, ठीक है। ये तीसरा वाला गावा है। तो हमारे हमको यही मतलब कि कौन कौन से ड्रग्स होते हैं, अब हम जा रहे हैं उसके बारे में पढ़ने, मतलब सीडेटिव और हिप्नोटिक में कौन कौन से ड्रग आते हैं उसके बारे में हम जा रहे हैं बात करने, कि बारबिट्यूरेट्स कैटेगरी में कौन से ड्रग आते हैं हमारे, बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी में कौन कौन से ड्रग आते हैं, सबके बारे में जा रहे हैं वन बाय वन आपको समझाने। तो चलिए चलते हैं इसके हम क्लासिफिकेशन की ओर। अब इसके हम क्लासिफिकेशन में देखते हैं, तो क्लासिफिकेशन देखिए हमारा, तो कुछ जो हमारे जो इसको तीन कैटेगरी में हमारा है, यह है बेंजोडाइजेपिन, मतलब जो ड्रग्स जाके बेंजोडाइजेपिन वाले साइड से मिलते होंगे उनको बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी में रखे हुए हैं, ठीक है। जो हमारे बारबिट्यूरेट से साइड से मिलते होंगे उसको बारबिट्यूरेट्स कैटेगरी में रखे हैं, कुछ हमारे मिसलेनियस है, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन समझाते हैं आपको कौन कौन से ड्रग्स बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी में आते हैं। देखो जो अब की जो ड्रग्स जो डॉक्टर्स लोग लिखते हैं वो बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी के ही ज्यादा लिखते हैं, क्यों, क्योंकि जो बारबिट्यूरेट्स कैटेगरी के जो ड्रग्स होते हैं इनका साइड इफेक्ट ज्यादा है, इसलिए उसको ना लिखकर इसको ज्यादा लिखा जाता है, ठीक है। ये आप जाओगे तो आपको इस टाइप के ड्रग्स होगा मिलेंगे। तो चलिए बताते हैं आपको बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी में कौन कौन से ड्रग आते हैं हमारे, पहले नाम सुनो, बड़ी अच्छे अच्छे नाम है। डायाजीपाम, पहला नाम क्या है, डायाजीपाम, याद रखो जितने आम पाम जाम काम जितने दिखेंगे सब यही में आएंगे। डायाजीपाम, ऑक्साजीपाम, क्या नाम है, ऑक्साजीपाम, डायाजीपाम, क्लोराजिपेट, लोराजीपाम, क्लोनाजीपाम, अल्पराजुलाम, जोलपेडम, इसे तमाम तरह के कुछ तो हमारे पास अगल बगल फेंके भी होंगे, अगल बगल ही दिखा दिया कुछ बोलो तो तुमको, बहुत से ड्रग्स अगल बगल फेंके भी होंगे हमारे पास। तो ये हमारे बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी के आते हैं, ठीक है। ये सब हमारे जो ड्रग्स है किसमें आते हैं, बेंजोडाइजे, और भी है हमारे पास है, ठीक है, ये सब हमारे किसमें आते हैं, बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी में ड्रग्स हमारे आते हैं। अब आपने ये चीज़ जान लिया कि बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, आए एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है कि क्लासीफाई कीजिए सेडेटिव हिप्नोटिक्स को, तो आपको पूरा लिख देना, ठीक है। बारबिट्यूरेट्स कैटेगरी में कौन कौन से ड्रग आते हैं ये देखते हैं, बॉर्बिटॉल है, फेनोबारबिटॉल है, मेफोबारबिटॉल है, एमोबारबिटॉल है, ब्यूटाबारबिटॉल है, पेंटोबारबिटॉल है, सेकोबारबिटॉल है। तो ये सब हमारे किसमें आते हैं, जितने ऑल जिसमें भी टॉल वाले हैं सब किसमें आ रहे हैं हमारे, बारबिट्यूरेट्स कैटेगरी में, ठीक है। ये सब कैसे याद होगा, कहो सर याद कैसे होगा, देखो ट्रिक्स भी बना के कर सकते हो लेकिन प्रैक्टिस कर लोगे जितना ज़्यादा ना आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। तो ये हमारे किसमें आते हैं, बारबिट्यूरेट्स की कैटेगरी में आते हैं। फिर आता है हमारा कुछ मिसलेनियस है, मिसलेनियस में कुछ देख लेते हैं हमारा क्या है, मेप्रोबोमेट है, पैरल्डिहाइड है, क्लोथमाइड है, तो ये सब जो हमारे और भी ड्रग्स हमारे हैं ये सब हमारे मिसलेनियस कैटेगरी में आते हैं। तो आपसे जब पूछेगा क्वेश्चन की क्लासीफाई सीडेटिव एंड हिप्नोटिक, तो उसके बारे में पता है सीडेटिव हिप्नोटिक क्या होता है, डिफिनेशन दो, ठीक है, बताओ उसके बारे में, उसके बाद क्लासिफिकेशन पूरा ये चीज़ आप वहाँ पे लिख दो। उसमें कुछ और भी क्वेश्चन पूछे कि बताइए ये हमारा डायाजिपाम का मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये कैसे काम करता है, तो उसको भी पूरी तरह से डिफाइन कर देना उसमें क्या कैसे काम करता है। तो ये हमारा था एक पूरा कंप्लीट नॉलेज, हमने आपको क्या क्या बताया, हमने आपको बताया कि जो हमारे पैरासिटिव ड्रग क्या होता है,
फिर ये ड्रग सुलाने वाली होती है, तो ये ड्रग काम कैसे करती है, फिर हमने आपको ये बताया। अब इसको बताने फिर हमने बताया कौन कौन से ड्रग होते हैं, उस ड्रग का नाम बताया कौन कौन से है, तो ड्रग हमारी ये है, कंप्लीट नॉलेज मिल गया। अब इसी में से आपके जो पेपर, आपकी जो जैसे मेडिसिन केमिस्ट्री है, अब मेडिसिन केमिस्ट्री में ये तो फार्माकोलॉजी के लिए इतना काफी है आपके लिए, ठीक है। अब जो मेडिसिन केमिस्ट्री है उसमें क्या एक्स्ट्रा है, तो उसमें बस एक क्वेश्चन घुमा देगा, जो ड्रग्स आपके सामने दिख रहे होंगे ड्रग्स में पूछ देगा, भैया बताइए 12वीं 12वीं यूनिट का सार बताइए, इसी का सार पूछ देगा क्या होगा, तो इसका सारा अलग से वीडियो बना के हम आपको बता देंगे। तो 12वीं यूनिट का सार पूछ देगा बस वहाँ पे। और जैसे मान लो पूछ दिया कि बताइए भैया कि हमारा ये कुछ पूछ दे, जैसे पूछ दे कि हमारा डायजीबाम का सिंथेसिस बताइए कैसे बनता है, सिंथेसिस पूछ दे, तो बस वहाँ पे यही अलग सा चीज़ उसमें पूछता है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। बेसिकली सार है, तो मैं आपको ये सब चीज़ें बता दूंगा वहाँ पे। मेडिसिन केमिस्ट्री आपका कवर हो जाएगा, और फार्माकोलॉजी तो यहाँ से कवर हो ही रहा है, तो ये दोनों चीज़ आपका एक साथ कवर हो रहा है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आपको कोई नोट्स इस पे तो देने की जरूरत है नहीं, बहुत सिंपल है, क्लासिफिकेशन है तो क्लासिफिकेशन पूरा ही छाप देना, ठीक है। तो कोई नोट्स तो बहुत स्पेशल अलग से जरूरत है नहीं, बस सीडेटिव हिप्नोटिक डेफिनेशन लिखा, अगर आपको लिखना चाहते हो कि सीडेटिव हिप्नोटिक का क्या डेफिनेशन है तो आप लिख सकते हो कि सीडेटिव आर दोज ड्रग विच कैन बी यूज टू विच कैन बी यूज टू रिड्यूस द एक्साइटमेंट ऑफ द ब्रेन। और हमारा हिप्नोटिक क्या होगा, हिप्नेटिक्स आर दोज ड्रग विच कैन बी यूज टू रिड्यूस द एक्साइटमेंट ऑफ द ब्रेन एंड प्रोड्यूस नेचुरल स्लीप, नेचुरल स्लीप भी हमें प्रदान करता है। तो लिख के क्लासिफिकेशन पूछेगा ये छाप दो, उसके बाद जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे उसमें वो लिख देना, तो काफ़ी सिंपल आपके लिए, ठीक है। चलिए तो ये था हमारा कंप्लीट नॉलेज, पूरा आपको सीडेटिव ड्रग के बारे में बताया मैंने आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।